अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज़र टीवी पे आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक क्रिप्टो करेंसी का न्यू प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जिसमें आप कॉइन बाय कर सकते हो अगर आप होल्ड करना चाहो। ठीक है, वेनस मनी के नाम से ये कॉइन है। ठीक है, वेनस इस कॉइन का नाम है और VM इन शॉर्ट इसकी एब्रिविएशन है, और BNB के थ्रू आप इसको बाय कर सकते हो। आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने अपने एक एक्सचेंज का आपको लिंक दे दूँगा, changenow.io, इस पर आपने आना है। और यहाँ से सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है USDT। ठीक है, USDT ट्रॉन आपने सेलेक्ट कर लिया। दूसरे नंबर पे आपने करना है कि यहाँ पे नीचे आपने BNB करना है। ठीक है, और BNB करोगे तो ये इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने एक्सचेंज पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है कि कितना करना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 4 कर लेता हूँ। ठीक है, और मिनिमम अमाउंट इज़ 4.10, तो इसको हम 4 की जगह बजाय 5 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने BNB का एड्रेस लेना है, जिस एड्रेस पे हमने रिसीव करना है। तो ये BNB का एड्रेस मैं यहाँ से इस एड्रेस पे रिसीव करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये एड्रेस लिख लूँगा। ठीक है, और इसके लिए आपको दो वैलेट चाहिए होते हैं, एक ट्रस्ट वैलेट भी, टोकन पॉकेट से भी आप कर सकते हो, और बाकी मैं सेंड जो USDT करूँगा वो बाइनेंस से करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ, इसको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करूँगा, फिर इसको कंफर्म करूँगा, और यहाँ पे मुझे एक एड्रेस दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपना USDT का, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और मैं अपने बाइनेंस पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इस एड्रेस को बाइनेंस में जाके इस एड्रेस को टाइप कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ से इसका जो नेटवर्क है वो मैं ट्रॉन TRC20 कर लूँगा। ठीक है, और इसको मैं कंफर्म कर दूँगा। ठीक है, अमाउंट मैं 5 USD सेंड कर रहा हूँ, मिनिमम 10 है बाइनेंस से, मिनिमम 10 है तो बाइनेंस से नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं होबी प्रो वैलेट में आ चुका हूँ, यहाँ से मैं सेंड करूँगा। ठीक है, USDT विड्रा पे कर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और वही जो एड्रेस था ये अपना, इसको क्लोज कर देते हैं, ये वाला जो एड्रेस था इसको कॉपी कर लेते हैं, और हम इसको, बल्कि इसको हम एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं बैक करके, ताकि जो है ना ये कोई मसला ना हो, ताकि टाइम इसका जो है ना हमारे पास एक एक्यूरेट, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी हो जिसमें हम इसका डिपॉजिट कर सकें। ठीक है, तो ये USDT का एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको TRC20 कर लिया है। ठीक है, और इसको मैंने एड्रेस यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, 1 USDT इसकी फ़ी भी लगती है, और हम यहाँ से सेंड कर लेते हैं, मैं 5 USDT सेंड कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ से 6 USDT करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 USDT तो फी लग जाएगी, तो 5 USDT वहाँ पे जाने चाहिए। कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैंने इसको कंफर्म कर लिए, तो इसको मैं कंफर्म कर लिया, यहाँ से मेरे 6 USDT सेंड हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ से बैलेंस भी कट गया, और ये 5 USDT यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहे हैं, यहाँ पे 1 USDT मेरी फ़ी चली गई, टोटल 6 USDT मेरे यहाँ पे गए। तो दोस्तों यहाँ से मेरी ट्रांजैक्शन 5 USDT की सेंड हो चुकी है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ से, और अब वापस चलता हूँ अपना इधर यहाँ पर, और ये यहाँ पर अब थोड़ा मुझे वेट करना होगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये डिपॉजिट का अवेटिंग का ऑप्शन आएगा, फिर ये कंफर्मिंग करेगा, फिर एक्सचेंज होगा, फिर सेंड टू माय वैलेट। ठीक है, इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये डिपॉजिट का जो वेट कर रहे थे ये इनको मेरा सेंड हो चुका है, अब ये इसको कंफर्म कर रहे हैं डिपॉजिट को, उसके बाद फिर एक्सचेंजिंग के ऑप्शन पर आ जाएंगे। कन्फर्म भी हो चुका है, अब आप देख सकते हो कन्फर्मिंग भी ये हो चुका है यहाँ से, और अब ये एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको मुझे सेंड करेंगे, और इस वैलेट में मुझे BNB रिसीव होंगे, ये वाला जो मैंने वैलेट दिया हुआ है इसमें मुझे रिसीव होंगे। ठीक है, और दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सचेंजिंग भी इसका कंप्लीट हो गया, आप मुझे ये सेंड कर रहे हैं, इस वैलेट पे मुझे ये सेंड करेंगे, और ये वैलेट आप देख सकते हो मेरा ये टोकन पॉकेट का वैलेट है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ये वाला वैलेट है। ठीक है, इस वैलेट में मुझे रिसीव होंगे। तो दोस्तों यहाँ से मेरा सक्सेस हो चुका है। ठीक है, योर एक्सचेंज टुक 3 मिनट, थैंक यू फॉर यूजिंग चेन नाउ। अब वापस चलूँगा। ठीक है, और इसको थोड़ा रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि इसमें रिसीव हुए या नहीं। तो आप देख सकते हो दोस्तों 4 USDT मुझे यहाँ पे BNB के रिसीव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो करना है हमने, वो ये करना है कि यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके आपने
वीएम टोकन जो है ना वो ऐड कर लेना है। तो आपने यहाँ पे वीएम लिखना है, तो सिंपली वीएम लिखोगे तो वीएम टोकन आ जाएगा, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप ऐसा करो। तो दोस्तों मैं वीएम टोकन का एड्रेस आपको प्रोवाइड कर लूँगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है और प्लस के निशान पे क्लिक करना है, तो ये वीएम टोकन आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, वीएम टोकन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो करना है, हमने बीएनबी के अगेंस्ट वीएम टोकन बाय करना है। आपने डिस्कवर के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपने पेनकेक स्वैप, तो मैं पेनकेक स्वैप का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपने इसको सर्च कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही आप पेनकेक स्वैप ओपन करोगे यहाँ पे, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। बीएनबी को आपने 100% कर देना है, मैक्सिमम कर लेना है जितने भी बीएनबी आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से नीचे से आपने ये करना है कि वीएम लिख लेना है। यहाँ पे वीएम लिखोगे तो वीएम टोकन आ जाएगा, और वेनस मंकी ये टोकन आ गए, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको मैक्स कर लेते हैं, उसको स्वैप करेंगे। उसके बाद स्वैप के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, कंटिन्यू स्वैप कंफर्म पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये इसको स्वैप करेगा। ठीक है, और ये एक दफ़ा ट्रांजैक्शन आपकी अनसक्सेसफुल भी हो सकती है, आप दोबारा ट्राई करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ टोकन कम किए हैं, अब मैं कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिख लूँगा, तो दोनों मैंने दोस्तों मैंने पासवर्ड लिख लिया। अब कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा स्वैप कम्प्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये मेरी ट्रांजैक्शन यहाँ पे सबमिटेड हो गई है। अब मुझे थोड़ी देर तक मुझे अपने वीएम टोकन्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, जाता हूँ बैक कर लेते हैं इसको, क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं हम, बैक कर लेते हैं इसको। ठीक है, और देखते हैं कि वीएम टोकन रिसीव हुए नहीं। अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मुझे वीएम टोकन रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, और ये मुझे ट्रांजेक्शन रिसीव हो चुकी है वीएम टोकन्स की, तो आप देख सकते हो, तो ये कन्फर्म हो रहे हैं, ये मुझे थोड़ी देर तक, एक मिनट तक ये भी रिसीव हो जाएंगे। तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है, आप देख सकते हो वीएम टोकन मैंने परचेज़ कर लिए हैं। तो इस तरह से आप वीएम टोकन अगर बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से आप इसमें मतलब कि अगर बाय करना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो, तो इस टोकन का ये इसका मेथड है। वीडियो से लिखे हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।